बरेली अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष जुनैद हुसैन के नेतृत्व में इल्किस बानो के दोषियों की रिहाई निरस्त करके उन्हें दोबारा जेल भेजने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में बताया कि एक हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान में महिला कॉलेजों और मोहल्लों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जुनैद हुसैन ने पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की जज यूडी सालवी ने अपने फैसले में बिल्किस के बयानों को निर्भीकता भरा बताया था, जिससे अपराधियों की सजा सुनिश्चित हो पाई थी। अगर गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस के दोषियों की रिहाई पर सर्वोच्च न्यायालय चुप रहा तो भविष्य में कोई भी बलात्कार पीड़िता सरकारी संरक्षण प्राप्त अपराधियों से न्याय पाने के लिए साहस नहीं दिखा पाएगी। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के न्याय के लिए कांग्रेस अल्पसंकल्पबद्ध है, जबकि सपा और बसपा जैसी पार्टियां बिल्किस के मुद्दे पर एक बयान तक जारी नहीं करती, जिससे साबित होता है कि वो उन्हें मुसलमानों से सिर्फ वोट चाहिए, उनके साथ हो रहे अन्याय से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।